नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। क्रिया योग के कुछ खास पल, कुछ खास क्षण, लगातार क्रमबद्धता हमारी जारी है, लगातार प्रश्न उत्तर की श्रृंखला हमारी जारी है। उसी श्रृंखला में एक और शो लेकर, एक और एपिसोड लेकर, एक और प्रश्नों के उत्तर लेकर और विचार विमर्श लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी। आप संस्थापक निदेशक हैं श्यामाचरण सनातन मिशन के, आप क्रिया योग के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, बहुत सारे गूढ़ रहस्य आपने क्रिया योग के संबंध में हमारे दर्शकों को लगातार बताए हैं, उनके ज्ञान चक्षु खोले हैं, उनके ज्ञान के भंडार में वृद्धि की है। ऐसे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारे शो में पधारे हुए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो क्रिया योग के कुछ खास पल, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार जी। नमस्कार। आज इस खास शो में हम सनातन मिशन के बारे में जानेंगे, श्यामाचरण सनातन मिशन के बारे में जानेंगे। क्रिया योग कहाँ सीखा जा सकता है, क्रिया योग की विशेषताएं क्या क्या हैं, और ये किन गुरुओं के सानिध्य में अच्छी तरह सीखा जा सकता है, कहाँ जाएं जो ये विशुद्ध क्रिया योग उनको प्राप्त हो, ऐसी बातें भी हम अपने शो के दौरान दर्शकों के सामने रखेंगे। आइए पूछते हैं आचार्य जी से पहला प्रश्न। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पाश्चात्य देश के लोग धर्म को जानने, ज्ञान अर्जन करने, बहुत सारी जिज्ञासाओं और उत्सुकताओं को शांत करने के लिए देवभूमि तपोभूमि भारतवर्ष में आते हैं, लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का वासी विदेशों में, पाश्चात्य देशों में नहीं जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हम पहले बताया, भारत तमाम पृथ्वी के भीतर धर्म के राजधानी है जी। यहाँ अनंत काल से यह धर्म चालू है और रहेगा भी, ये इटर्नल है। और पश्चात देश में बहुत से धर्म का उत्पत्ति होता है और मिट भी जाता है जी, लेकिन यहाँ ऐसा चीज नहीं होता है, क्योंकि धर्म का अगर कोई ग्लानी हो तो भगवान खुद आ जाते हैं उसको रक्षा करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये पृथ्वी में दूसरा कुछ में रास्ता में देश में ऐसा चीज नहीं है जी। तो यहाँ धर्म को बचाने वाले खुद भगवान है जी, और बाहर में धर्म को बचाने वाले मनुष्य है जी। तो अभी इतना फर्क है जी। तो ये जो योगिराज श्यामाचरण सनातन मिशन जो हम लोग बनाए हैं, ये पूरा गृहस्थी के ऊपर है जी। इसका जो जो पैसा लेकर के उधर में एक पैसा दो पैसा करके जो बनाए हैं, ये पूरा गृहस्थी का है, और वो भक्त से पैसा लिया जी। कोई जो भक्त नहीं है उससे एक पैसा नहीं लिया है जी, और गृहस्थी छोड़ करके भी किसी से पैसा नहीं लिया जी। जो क्रिया करते हैं, जो हमसे क्रिया मिला है जिसको, और मेरा गुरु का जो सत्य बाबा से जो जिसको जिसको दीक्षा मिले हैं, इसी प्रकार आदमी से अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके, आपका जो जेना देना जितना संभव है आप दे दीजिए। इसी प्रकार से वो 1990 में हम लोग जमीन खरीदा था जी, और 91 जनवरी से उसका चालू हो गया। तो अभी इतना 20 ईयर्स तो हो गया, लेकिन उसका जो शुरुआत हुआ था वो अभी 25 ईयर्स चलता है जी। तो अभी 20-25 ईयर्स के भीतर इतना दूर तक हम लोग लाए, और वो वक्त के पास रिक्वेस्ट करके, भीख नहीं मांगते, तुमको देना है तो दो, नहीं देना तो चुप, कोई बात नहीं है। तो इसी तरीका से हम लोग ये आश्रम को, आश्रम नहीं है, ये मिशन को बनाया। मिशन का उद्देश्य क्या है कि एक क्रियाजोग को बचा के रखना है जी। अभी तो क्रियाजोग में तो बहुत किसी पर नाम ठीक है, लेकिन काम में तो फर्क हो जाते हैं जी। जितना हैंड बदल हो जाता है तो काम में बदल हो जाते हैं जी।
तो हम देखते हैं कि मेरे गुरु भी ऐसा बताए थे कि इसको बचाना हमारा उचित काम है जी। तो अशोक तुम ऐसा करो कि जहां से ऐसा एक तो प्रतिष्ठान लगाओ कि जहां से वो पक्का क्रिया जो का मेंटेन कर पाएगा जी। इसीलिए एक मंदिर को बनाया, मिशन को बनाया, धीरे धीरे क्या जो लुप्त नहीं होगा तो उसको बचाने का जगह बनाया और वहाँ कोई भी देव देवी नहीं है, उसके भीतर ओनली लाहिड़ी बाबा का मूर्ति है, मरमर मूर्ति व्हाइट मार्बल का जी, उन्हीं का पूजा होता है जी। और भारत का नियम अनुसार कोई मूर्ति पूजा को करे, शुरुवत करे तो हुआ एक तो शालिग्राम शिला नारायण का होना चाहिए जी। कोई मूर्ति नहीं है जो गोल पत्थर का होता है ना, शालिग्राम शिला जी, जी, भारत में जो कि नारायण का होता है जी, वही एक तो रखा है जी, बस और कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं, वो बस यही मूर्ति रखा है जी। तो असली बात यही है कि वहां से गुरु का ऐसा ही चुना करके रखा जाएगा, उसका तो सिस्टम कानून सब बना के रखा है जी। गृहस्थी छोड़ करके कोई नहीं होगा जी, गृहस्थी से ये मंदिर बना है और वहाँ गुरु भी गृहस्थी रहेगा क्योंकि लाहिड़ी बाबा गृहस्थी था जी। इसका पीछे भगवान कृष्ण गृहस्थी था, इसका पीछे भगवान रामचंद्र गृहस्थी था, जितने मुनि ऋषि जितने देव देवी सब गृहस्थी है। तो गृहस्थी को मेंटेन करना है, गृहस्थी ठीक रहेगा तो तमाम दुनिया ठीक रहेगा। गृहस्थी में अच्छा अच्छा संतान उत्पन्न होगा तो जगत का आलोक कर देगा। तो इसलिए इसको बनाया कि पक्का क्रियाजोग, जो क्रियाजोग ने लाहिड़ी बाबा को मिला था और लाहिड़ी बाबा खुद अपने किए हैं और उनके भक्त को दिए थे, वही क्रियाजोग के इधर में मेंटेन होता है। ये हम लोग को ओथ है जी। कि उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा जी। अगर चेंज करेगा उसको निकल दिया जाएगा जी। कमेटी के ऊपर इतनी पावर दिया गया जी। इसलिए संस्थान में आने के लिए कोई खास तरीका, कोई खास नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जी। कोई इतना नहीं है, जो आदमी क्रिया करे वो ये संस्थान में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्रिया लेना है जी। वो बाहर के जो उल्टा पुल्टा क्रिया चलता है वो नहीं चलेगा जी। यहाँ से जिसको क्रिया मिलेगा, हम नहीं रहेगा तो पीछे गुरु तो रहेगा, उससे रहेगा तो इधर संस्थान में आएगा जी। लेकिन ऐसा तो विजिट तो सबको ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेंबरशिप भी हो सकते हैं, लेकिन वो संस्थान के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते जी। जो क्रिया बना है वो इसका इसका साथ इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा कानून वहां पर क्रिया सीखने को मिलती है। क्रिया लगभग कितनी समय विधि रहेगी, कितना समय रहेगा कि क्रिया योग सीखा जा सके, कोई निर्धारित समय? नहीं, वो तो गुरु का बात है, जो वहां जाने से मिलेगा, गुरु जहां रहते हैं उसके जाओ जी। यहाँ गुरु तो गृहस्थी गुरु होगा ना जी, तो उसका तो संसार है जी। वो कलकत्ता हो, हमेशा जकादी में होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है, दूर में कहीं हो जी वहां जाएगा जी, लेकिन संस्था में आना है। लेकिन आपने संस्था में कोई निर्धारित समय है कि जब ये शिक्षा या क्रिया योग सीखा जा नहीं, सके? वो गुरु के ऊपर निर्भर है, कितने दिनों में सिखाते हैं जैसे। नहीं नहीं, वो नहीं, तो पहले दिन ही को उसको जब इनिशिएशन दिया जाएगा, इनिशिएशन देने में भी कम से कम 3 घंटे टाइम लगता है जी। ये प्राण का शिक्षा है ना जी, ये शरीर का शिक्षा नहीं है जी। तो ये जो ब्रह्म विद्या है वो बहुत टाइम लगता है उसको समझाने के लिए जी, और दीक्षा देने के लिए 3 घंटे टाइम लग जाते हैं जी। तब उसको कभी कभी आकर के उसको चेकिंग करना पड़ेगा, तब ये साधन में वो रह सकता है जी। मैं तो नहीं रह पाएगा जी, वो भग जाएगा जी। अच्छा, कोई खास आपके निर्धारित समय कि आप शीत ऋतु में ऐसा नहीं, नहीं, शिक्षा देते हैं? हम कलकत्ता में रहते हैं जी। मंदिर वो काकदीप में है, हमारा घर से उसका 100 किलोमीटर दूर है जी। जब जरूरत है हम जाते हैं जी, उधर में भी दीक्षा देते हैं, हमारा घर में भी, हमारा घर से बाजू में एक तो जगह है, वहाँ भी हम महीना में एक दिन दीक्षा देते हैं जी, और इंग्लिश कैलेंडर महीना में जी। तो ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, जो सचमुच की क्रिया करेगा उस प्रकार आते हैं, हम किसी को बुलाने को नहीं जाते हैं, एडवर्टाइज नहीं करते हैं, जो किताब पढ़ते हैं आते हैं बस उसको दीक्षा देते हैं। हमको लाखों लाखों आदमी नहीं चाहिए। क्या विदेशों में भी प्रचार और प्रसार आपके मिशन का? बहुत बहुत है, बहुत। अब ये हमारे से प्रचार नहीं करते जी, प्रचार का कोई, वहां से भी लोग क्रिया योग सीखने क्या आते हैं, लेकिन आते हैं। लेकिन बहुत से आदमी लिया है, अभी हम बंद कर दिया। क्यों?
कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पूरा भोगवाद के ऊपर है जी, उन लोग से क्रिया करना संभव नहीं है जी। मैं तो कोशिश करके बहुत देखा और लास्ट में छोड़ दिया, इससे होगा नहीं जी। कोई जन्म में ये लोग को भारत में जन्म लेगा तो दूध 10 जन्म भारत में जन्म आएगा जाएगा, इसके बाद वो परिशुद्ध होगा तब इसको ये साधन मिलेगा। ये ब्रह्म साधन, ये छुट्टी का साधन है, ये सस्ता का चीज नहीं है। जो सीनियर मनुष्य है उसी को ये चीज मिलेगा जी। सीनियर इसी को कहा जाता है कि देखो पिता माता और उसका 20 साल का लड़का है, पिता माता का ये साधन में दिल नहीं है लेकिन लड़का का है जी। आपका ये दिल्ली में एक लड़की है जी, वो हमेशा हमारे पास फोन करते हैं, हम नाम नहीं बताएंगे जी, तो उसका खराब होगा जी जी जी। तो उसको क्या चाहते, वो चाहते कि ये साधन में हम डूब जाए, लेकिन उसका पिता माता कहते नहीं, कुछ तो साधन हिस्सा साधन नहीं चलेगा, वो प्रहलाद के माफी है उसका हिरण्यकशिपु के माफी जी। तो रोते हुए वो लड़की, हमने अरे हम क्या करेगा, देखो तुम जब बेड में तो अपने रूम में जब सोते हो ना उस घर में कोई नहीं रहता है, बोले नहीं बस रात को लास्ट नाइट में उठ करके तुम साधन करो, भगवान को ऊपर छोड़ दो जी अपना जीवन को, जैसा मीराबाई ने राजा का रानी होते हुए भी छोड़ दिया था, इसी प्रकार तुम रहो, जो होगा ठीक हो जाएगा, जो तुम्हारा कल्याण का करने वाले जो है वही तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, रुको नहीं, पिता माता के विरोध में मत जाओ, पिता माता तुम्हारा गार्जियन है, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा गार्जियन हो जाएगा, ये हमारा भारत का सिस्टम है, सिस्टम में रहो। क्या क्रिया योग विदेशों में भी है? विदेशों में भी विदेश में है लेकिन एक काम नहीं है जी, ये काम नहीं है, बाकी विदेशों में भी क्रिया योग, वो विदेश का माफी है जी जी जी, वो उनके उनके अनुसार है, उनके अनुसार है, जो लहरी बाबा के अनुसार नहीं है, लहरी इतना मैं बता सकता है। तो ये मिशन में या आपके जो संस्थान है उसमें कई दिनों तक क्या निवास और वास करना पड़ता है वहाँ पर रुकने? नहीं नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है, वो दूर से आता है दीक्षा लेते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई दूर से आया, सपोज कोई बम्बई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं से आया, तो उसका लिए रहने का जगह है, एक दिन रहेगा सीखेगा चले जाओ, 6 महीना बाद आओ फिर चेकिंग कर जाओ, 4 महीना बाद आओ चेकिंग करो, ऐसा तुम्हारा अपना घर में करो जी। मंदिर तो ये तो सबके लिए जगह है, तुम आ सकते हो लेकिन यह मिलेगा, ये मिलने का एक तो सेंटर चाहिए जी। वो सेंटर को बनाया है इसलिए, ये हमारा गुरु का आदेश के अनुसार। आचार्य श्रीनिय ने बताया कि योगीराज सनातन श्यामाचरण मिशन जो काकद्वीप में स्थापित है वहाँ पर क्रिया योग की दीक्षा ली जा सकती है, सही क्रिया योग क्या है ये वहाँ जाकर जाना जा सकता है। आचार्य श्री ये दीक्षा स्वयं भी देते हैं और अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को लगातार अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं और वो चाहते हैं कि उनके द्वारा दी गई दीक्षा उनके भक्तों के, उनके शिष्यों के जीवन में हमेशा काम आए और वो सन्मार्ग पर चलें और सनातन धर्म का पालन करें और सदगति को प्राप्त हों, जन्म जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। आइए जानते हैं आचार्य जी से मेडिटेशन और ध्यान के बारे में, क्या सनातन मिशन में ध्यान और मेडिटेशन भी बताया जाता है, आइए पूछते हैं। आचार्य श्री आपके सनातन मिशन में क्या मेडिटेशन ध्यान ये भी सिखाया जाता है, बताया जाता है? ये तो क्रिया योग जो है तो अष्टांग योग के अंतर्गत जी, जो अष्टांग योग है वही क्रिया योग है जी, कोई भी जरा से भी फर्क नहीं है जी। तो ध्यान जो है जी, हम पहले बताया अष्टांग योग का 7 स्टेप जी, 7 स्तर है 7 नंबर उसमें आए ध्यान। तो ध्यान में जाएगा तो हम ये सीढ़ी से पाए लगेगा और 7 नंबर सीढ़ी से पाए लगेगा, ऊपर जा सकते गिर पड़ेगा जी। तो ऐसा ही अगर कोई कहे हमको ये सब क्रिया योग नहीं चाहिए, हमको ध्यान सिखाओ, ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तो आचार्य जी ये और बताइए साथ साथ हमारे दर्शकों को कि कई लोग ये मानते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन एक ही चीज है, क्या ये 2 चीजें? ध्यान हमारा
वो 7 स्टेप में है जी। और मेडिटेशन तो आंख बंद करो बैठो, वो तो वेस्टर्न कल्चर में है जी, हमारा भारत का कल्चर में नहीं है। भारत का कल्चर में ध्यान जो है वो 7 स्टेप, इसका पहले 6 आइटम को आपको छोड़ के कैसे ध्यान करेगा जी। तो ध्यान और मेडिटेशन एक चीज नहीं है जी, हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो आंख बंद करने बंद करके मैं सोचता हूँ कि तेरे को काल हम मार डालेगा जी, इसमें ध्यान नहीं होता है जी। तो आंख बंद करके है लेकिन मेरा मन तो इधर उधर भटकता है जी, उसमें ध्यान नहीं होगा। पहले मन को एकदम रस्सी से बनो, मन बना हो जाओ। कैसे? वो प्राणायाम के माध्यम से जी। वो इसका पहले जो 6 स्टेप है उसके माध्यम से अगर मन को कंट्रोल कर दो, इसके बाद ध्यान तुम्हारा आप जा पाएगा। ध्यान कोई आंख बंद करके नहीं कर सकते जी, वो एक अवस्था है योगी का, वो आपसे आप आएगा जी। वो एक क्रिया जो करने से जी, अरे आंख बंद करने से ध्यान नहीं होगा, वो तो खेल खेला का माफी हो गया, बच्चों का खेल हो गया जी। इसीलिए मेडिटेशन और ध्यान दोनों में कोई संपर्क नहीं है जी, इतना ज्यादा अंतर है। दोनों अलग चीज है। आचार्य जी ये बताइए कि भारत को इस पृथ्वी की धर्म की राजधानी कहते हैं, आप इस बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, धर्म की राजधानी क्यों कहा जाता है पृथ्वी में? देखिए इसके एक तो करंट प्रमाण है जी कि भारत का कोई आदमी कोई दूसरे देश में जा करके धर्म सीखने को नहीं जाते हैं जी। तो ये भारत का आदमी बाहर नहीं जाते हैं जी, बल्कि बाहर का आदमी भारत में आते हैं धर्म सीखने के लिए जी। तो अगर बाहर में जो जो धर्म है जी, तो वो धर्म से उधर का मनुष्य संतुष्ट नहीं हो पाते जी। तो इसीलिए वो लोग भी जानते हैं कि ये तमाम पृथ्वी में भारत एक देश है जहां जाने से धर्म मिलेगा जी, वो भगवान का जो साधन है वो चीज मिलेगा जी। इसलिए उसको खोजने के लिए वो लोग भारत में आते हैं जी। ये तमाम पृथ्वी का आदमी आते हैं, इसलिए ये भारत का राजधानी है, विश्व की राजधानी भारत, भारत धर्म को जानने के लिए। हाँ, उसको जानने के लिए सबको आना ही पड़ेगा इधर में जी, क्यों ये तो इटर्नल धर्म का जगह है जी। और बाहर में क्या धर्म आता है जाता है आता है जाता है जी। अभी देखिए हम नाम नहीं बताएंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई धर्म अभी वो लोग को देश का आदमी मानता नहीं है, हम तो खुद जा करके देखा जी, नहीं मानता है। क्यों मानता नहीं? कि वो धर्म का अब कुछ देने वाले नहीं है, उससे अभी कुछ मेरा मेरे का कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो चाहता हूँ नहीं मिलता है, इसलिए वो धर्म नहीं मानते जी। तो इसका प्रमाण नहीं हुआ कि वो भारत में जाने से मिलेगा, लेकिन आ करके उल्टा पुल्टा जगह में पहुंच जाते हैं तो वो भी असली चीज नहीं मिलता है जी। और असली चीज मिलने से भी वो लोग से करना मुश्किल है जी, क्योंकि वो लोग को नेचर है, वो लोग को मन बुद्धि चिंता भावना सब कुछ है भोगवाद के ऊपर जी। तो भोगवाद में रहेगा और एक क्रिया जो साधन करेगा ये संभव नहीं है जी। टोटली एंटी है। क्रिया योग जो लोग करते हैं वो भोगवाद से स्वतः ही विरक्त हो जाते हैं, ऐसा कहना है आचार्य श्री का। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं ना ही। क्रिया योग जो लोग करने लगते हैं वो भोगवाद से स्वतः ही विरक्त हो जाते हैं, और आवश्यकता इस बात की है कि क्रिया योग किया जाए। अगर सदगति प्राप्त करनी है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है और ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर से परिचय प्राप्त करना है, तो क्रिया योग अत्यंत आवश्यक है, और उसकी आवश्यकता लगातार बता रहे हैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी जी। आइए आचार्य जी से एक संदेश लेते हैं क्रिया योग करने वालों के लिए, जो क्रिया योग के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, जो क्रिया योग करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में क्रिया योग को भी स्थान दे रखा है, जो लोग अपने जीवन का यापन करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं, जो सदगति की तरफ बढ़ना चाहते हैं और क्रिया योग को माध्यम बनाते हैं, उनके बारे में हम चाहेंगे कि आचार्य जी एक अपना ऐसा संदेश दें जो क्रिया योग करने वाले दर्शकों के लिए अमूल्य निधि की तरह काम आए, उनके हमेशा उनके जीवन में एक अमूल्य क्षण ये होंगे जब आचार्य श्री अपने लोगों को, क्रिया योग करने वालों को अपने श्रीमुख से
अपने अमृत वचनों से ये संदेश प्रदान करेंगे। आइए आचार्य श्री से अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, क्रिया योग को जानने और मानने वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेते हैं। आइए संदेश प्राप्ति। आचार्य श्री, आपके क्रिया योग करने वाले लोग न केवल हिंदुस्तान में वरन विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। आपसे क्रिया योग सीखने के लिए विदेशों से लगातार लोग आते रहते हैं। कई बार आपके पास समय की उपलब्धता नहीं होती, समय की कमी होती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का मोह आपसे भंग नहीं होता है। लगातार लोग ये प्रयास करते हैं कि आपसे क्रिया योग की शिक्षा और दीक्षा मिल जाए। आप अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, क्रिया योग करने वालों को कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण संदेश दीजिए जो उनके लिए एक अमूल्य निधि की तरह काम आए। क्रिया योग जो असली शिक्षा है जी, वो है कि तुम अपने ही को आप जान जाओ जी। हम लोग सोचते हैं कि आई एम मिस्टर एक्स, लेकिन वो सच्चा बात नहीं है। ये जो हम जो मिस्टर एक्स है, ये परिचय है हमारा बॉडी का जी। तो बॉडी का एक दिन जन्म हुआ, एक दिन मर जाएगा जी। तो बॉडी मैं नहीं हूँ, बॉडी का भीतर जो है वो मैं हूँ। वो हमको हमको हम हमको जानना है किसी तरीके से, किस उपाय से। सधर्मी निधनं श्रेयो परधर्म भयावह। अगर ये परधर्म जो है वो इंद्रिय धर्म, तुम इंद्रिय धर्म में मत जाओ, तुम अपना धर्म में लगा हुआ रहो। अपना धर्म क्या है? यही ब्रह्मविद्या। इति ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। यही लाहिरी बाबा भी बताए कि क्रिया करने से मंगल, नहीं करने से अमंगल। हे जगतवासी, ये मेरे वचन नहीं है, भगवान श्यामाचरण का वचन है कि क्रिया करने से मंगल, नहीं करने से अमंगल। अगर हम लोग जगतवासी के जगत का मन मनुष्य होते हुए और भक्त सब कोई है, कोई जानबूझ करके भक्त होता है, कोई जानबूझ कोई अनजान से नहीं भक्त होते हैं, वो भी भक्त है। तो नहीं जानते हैं वो भी भक्त है, लेकिन वो नहीं जानते, उसका उतना दिमाग परिशुद्ध नहीं हुआ। लेकिन ये क्रिया योग करने से उसका ब्रेन सेल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमारा सबका ब्रेन सेल के भीतर 8 लाख ब्रेन सेल रहता है, लेकिन 2 लाख ब्रेन सेल अगर एक्टिव हो जाए तो वो भी महान पुरुष बन जाते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन क्रिया योग करने से 8 लाख ब्रेन सेल तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तुम कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये सबको तुम्हारा तुम्हारा दर्पण के मापी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी अनंत क्षमता हो जाएगा, तुम विश्व के नाथ बन जाओगे, तुम अजर घर से अमर घर चल जाओगे, तुमको छुट्टी मिल जाएगा, मुक्त हो जाओगे। और इसके बाद तुम मुक्त होने के बाद भी रुको नहीं, और भी तुमको जाना है। कहाँ? जहां से तुम्हारा उत्पत्ति हुआ है, वो निश्चल ब्रह्म है। वहां जाओ तो मार्ज विद द एब्सोल्यूट, उसका साथ तो मार्ज हो जाओ, तुम्हारा और रिटर्न नहीं होगा। और मुक्त होने से भी अगर जरा से स्लीपिंग हो सकता तो पिन भी आ सकता है, जैसा कुटस्थ में जाने से मुक्त हो जाता है। लेकिन तभी भी कुटस्थ के अपर पोर्शन में चले जाओ तो तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, और नहीं आना। और संसार में चले जाओ तो पूरा छुट्टी है, और कभी तुमको इस जगत में नहीं आना है, और इंद्रिय के अधीन में नहीं आना है। मेरे मैं तो सबको लिए यही प्रार्थना करता हूँ। हे मनुष्य, आप भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, इसलिए हम आपको प्यार करते हैं, आप मुझको प्यार करते हैं, तो दोनों के साथ प्यार को पहले रखो और मेरे बात को सुनो। मैं कुछ नहीं है, मैं तो लाहिरी बाबा का चरण का दास हूँ।
लेकिन ये बात आपको मैं कहता हूँ कि अभी हमको बहुत एज हो गया, आप एक क्रिया जो कीजिए आपका छुट्टी मिल जाएगा। ये जगत में नहीं आना है, और जगत में आना चाहते हैं तो मत कीजिए क्रिया। आप भोगवाद में रहे, जहाँ भी रहे, इंद्रिय के साथ रहे, आप रह सकते हैं, ये आपका लिबर्टी है। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक जन्म को रुक नहीं पाओगे, तब तक दुख तुमको छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए मेरे सबके प्रति यही मिनती है कि आप जिसका मन चाहे, जिसका मन में विषाद योग आएगा, वो आदमी वो भक्त बन जाएगा, वो क्रिया योग करेगा। तो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा, आपका प्राण ब्रह्म लोक में चले जाए, आपका नो रिटर्न हो जाएगा। सबका जय हो, सबके लिए, सबके प्रति लहरी बाबा का आशीर्वाद। आचार्य श्री ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अमूल्य निधि की तरह हमेशा रखने वाला ये संदेश आचार्य श्री के श्रीमुख से अमृत वचन के रूप में हम सभी को प्राप्त हुआ है। आभार व्यक्त करती हूँ परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी जी का, जिन्होंने हमारे शो में आकर अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया है। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जी जागरण के सभी दर्शकों का, जिन्होंने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं हमारे साथ लगातार बनाए रखी। इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। नमस्कार। नमस्कार।